अक्सर लोग नौकरी से रिटायर के बाद वे अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी से रिटायर होने के बाद वे अपने समय का इस तरह उपयोग करते हैं कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर सहरसा से निकलकर सामने आई है, जहां फौजी से रिटायर होने के बाद सहरसा जिला मुख्यालय के पटवाह के रहने वाले विकास चंद्र मिश्रा रिटायर होने के बाद उन्होंने खेती को अपना मुख्य पेशा बना लिया। वे अपने 1.5 एकड़ के खेत में G9 केले की खेती कर रहे हैं। G9 केले की खेती अन्य प्रजाति के केले से काफी अलग है। इसमें एक पेड़ में 75 किलोग्राम केला प्राप्त होता है, वहीं औसतम 8 पंजे यानी घार निकलते हैं। एक पंजे में कम से कम 2 दर्जन केले निकलते हैं। इसका फल तो स्वादिष्ट होता ही है, सब्जी भी लाजवाब होती है। वहीं अच्छी पैदावार होने से किसानों को भी काफी अच्छा लाभ मिलता है। इसके पौधे छोटे और मजबूत होते हैं, जिससे आंधी तूफान में टूटकर नष्ट होने की संभावनाएं काफी कम होती है। उत्पादन भी अपेक्षाकृत काफी अधिक होता है। विकास चंद्र मिश्रा, पूर्व फौजी, हम रिटायर करने के बाद फार्मिंग कर रहे हैं और अभी हमको उद्यान विभाग से जो है विकास जी से भेंट हुई, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं। उन्होंने केला के बारे में हमको जानकारी दिए, G9 केला कीजिए, जो इजराइल पैटर्न पर वर्क करता है, काम कर रहा है खेती, तो उसी से केला का G9 जो कि किसान को अच्छा पैदावार देता है। और मैंने विकास जी के कहने के अनुसार मैं भी इस खेती को अपनाया और बिहार में हम फर्स्ट जो है जैविक खाद से केला का खेती कर रहे हैं, जिसमें कि पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद हम यूज नहीं कर रहे। और क्या फ़ायदा है इस केले के, आमतौर के जो केला बाजारों में बिकता है उससे इसमें क्या अंतर? ये पैदावार ज़्यादा है, खाने में टेस्टी होता है, और ये जैविक है तो शरीर को फायदा ही फायदा है, नुकसान इसमें, कर रहे हैं अभी आप केले? हम 1.5 एकड़ में कर रहे हैं। तो ये ट्रायल के रूप में आपने ये लगाया था? ये हाँ, विभाग भी हमको ट्रायल के रूप में ही दिया है। तो क्या लग रहा है आपको, ये सक्सेस हुआ है? सक्सेस होगा सर, हम मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस करेगा। तो आगे का क्या प्लान है? आगे कैसे? आगे हम जो है ना फार्मर के लिए यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि मेरे साथ साथ मान लीजिए मैं बन भी गया और दूसरा फार्मर वैसे को वैसे है तो कोई फायदा नहीं है, तो हम फार्मर ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ खोलने जा रहे हैं, जो किसानों को आप इसका गुण, हाँ इसका गुण सिखाएं, जो अपना जानकारी है उनको बताएं। अभी जो बाजारों में जो खेत अन्य जगहों पर जो केले की खेती हो जाए, सेम पौधा भी दिख रहा है लेकिन ये छोटा साइज काफी दिख रहा है। हाँ ये छोटा ही होता है, इसमें दाग है, बड़ा हो गया, छोटा सा हम लाए थे जो बीज से तैयार होता है। कहाँ से लाए थे ये? ये सील बायोटेक कंपनी है, वो प्रोवाइड कराए थे विभाग के, नहीं विभाग के द्वारा, अच्छा, उद्यान विभाग के द्वारा। अच्छा, कितना लागत इसमें लग गया लगभग? इसमें कुछ अपना लागत लगा और कुछ हमको विभाग भी हेल्प किया है। मिनिमम कितना क्या लग रहा है? 1.5-2 लाख मेरा खर्चा पड़ा है इसमें। अच्छा, क्या लग रहा है अब 1.5-2 लाख आपका ऊपर हो सकता है? हो जाएगा सर, पैदावार, हाँ पैदावार छोड़ के हमको प्रॉफिट आ जाएगा।